हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सब ग्रुप के बारे में और जो कि आपका है एफटेक एल्जेब्रा का एक सब टॉपिक अब ग्रुप के बारे में बात करी थी फिर हमने सब ग्रुप के बारे में बात करी थी और आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्रुप की बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप अभी साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि यह साइक्लिक ग्रुप होता क्या है ठीक है दोस्तों तो देखिए साइक्लिक ग्रुप जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है साइकिल होना चाहिए इसका मतलब है कि ये जो है एक प्रकार से साइकिल की तरह ही जैसे कि देखो रोटेशन साइकिल का मतलब क्या हुआ जो चीज आज हुई वही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस होनी चाहिए उसी को कहेंगे साइकिल तो वैसा ही साइकिल इस साइक्लिक ग्रुप में भी चलता है इसमें क्या होता है कि आप एक एलिमेंट लोगे पर्टिकुलर कोई और उसके ऊपर इंटीग्रल पावर्स जो है आप लगाते जाओगे तो उससे जो एक पूरा सेट जनरेट होगा या उससे जो पूरा एक ग्रुप बनेगा उसको आप कहोगे साइक्लिक ग्रुप ठीक है तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब ग्रुप ये एक पर्टिकुलर टाइप का सब ग्रुप हो गया बाय इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिंगल एलिमेंट यानी कि एक सिंगल एलिमेंट की पावर आप इंटीग्रल्स लगाते जाओगे पहले वन पावर फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट ऐसे तो उससे क्या होगा एक ग्रुप जनरेट होगा उसको आप कहोगे सब ग्रुप समझ में आ गई बात तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन तो डेफिनेशन आप लिखिए दोस्तों ग्रुप जी A group G is a cyclic. A group G is a cyclic group. Is a cyclic group if there exist if there exist an element an element ए बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू जी सच दैट सच दैट जी इक्वल टू ए यह कह रहा है अ ग्रुप जी इज साइक्लिक ग्रुप इफ दे आर एग्जिस्ट एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है जी में और वो किस प्रकार से कि सच दैट जी इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज ए और दैट मीन्स इसका मतलब क्या है ये ब्रैकेट क्लोज ए का मतलब है दैट मीन्स एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक आपका तत्व यानी जो भी आपके अंदर आ रहे हैं ए ए स्क्वायर ए वन ए वाला तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Some integral power, some integral power of A, and here A is called A is called the generator, A is called generator of. जी तो क्या है कि अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जो बिलोंग करेगा आपके ग्रुप में ही और जी बराबर हो क्लोज ब्रैकेट ए अब इस क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम समीगल पावर ऑफ ए यानी कि जी बरा जी जो एक आपका ग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव को यानी प्रत्येक यानी एवरी एलिमेंट को आप जो है ए की कुछ इंट्रीगल पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो तब जो ए होगा उसको आप क्या कह दोगे जनरेटर ऑफ ग्रुप यानी उसी ने उसको जनरेट किया है इसलिए हम क्या कह रहे हैं जनरेटर समझ में आ गई बात तो ए क्या कहलाएगा जनरेटर अब यहां जो क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों वो ऐसे ही बनते हैं कि आप ये बताइए कि ये ग्रुप दे दिया इसका जनरेटर क्या है जैसे कि देखिए अगर मैं ए इज कॉल्ड द जनरेटर और इसका मैं एक ग्रुप बना के दिखाऊं तो वो इस टाइप से आप लिख सकते हो मंजिला ब्रैकेट ए टू पावर माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस टू ए टू पावर माइनस वन ए टू पावर जीरो ए टू पावर वन ए टू पावर टू ए टू पावर थ्री ए टू पावर फोर और ये चलता रहेगा तो ये जो आपका एक ग्रुप बना है ना इस ग्रुप को आप क्या कहते हो साइक्लिक ग्रुप कहते हो ये तो कब अरे ये कब है दोस्तों ए वन a3 जब आपका कुछ भी ऑपरेशन हो ये देखो ए स्क्वायर का मतलब आपको मैंने बताया था कि ए गुणा ए नहीं होता है ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था आपको ए स्क्वायर का मतलब होता है क्या ए बाइनरी ऑपरेशन ए यानी ए स्टार ए समझ में आ गई बात ये होता है मैंने ये चीज पीछे क्लियर करी है वो अगर बोले कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तब आपका ए स्क्वायर का मतलब होगा ए गुणा ए ठीक है अब देखो यहां तो केवल बाइनरी ऑपरेशन के बेस पर हमने ये लिख दिया लेकिन अगर आपको एक कंडीशन दे दी क्या देखिए यहां लिखिए आप मैं एक पर्टिकुलर केस लेकर बता रहा हूं कि इफ द ऑपरेशन इफ द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप इफ द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप जी इज एडिशन इज एडिशन दैट मीन्स प्लस साइन धैन धैन जी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ए ये जो बड़े ब्रैकेट्स हैं बिग ब्रैकेट्स मंजिला ब्रैकेट क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए फिर माइनस टू ए माइनस ए फिर आपका जीरो फिर जीरो प्लस ए ए, ए प्लस ए टू ए फिर थ्री ए और ये आपका चलता रहेगा समझ में आ गई बात क्यों क्या हुआ ए जो है उसी में आप क्या करोगे पहले आगे प्लस करते जाओगे तो ए जीरो से स्टार्ट देखो ए फिर आपने लिखा ए प्लस ए टू ए प्लस थ्री ए और ऐसे ही हम अगर जो है पीछे से आते हैं यानी नेगेटिव माइनस थ्री ए माइनस फोर ए माइनस फाइव ए तो क्या होता माइनस थ्री ए प्लस ए क्या होगा माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस ए माइनस ए माइनस ए प्लस ए जीरो जीरो प्लस ए ए प्लस टू ए प्लस ए फोर ए ऐसे ही ये चलता रहता तो इस ग्रुप का जनरेटर कौन है ए जो है इसका जनरेटर है क्या है ए इस ग्रुप का जनरेटर है समझ में आ गई बात तो ऐसे ये जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं अब आपको बता दूं किसी भी फंक्शन के जनरेटर जो है वो दो या दो से सॉरी दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनरेटर क्या एक ही होगा नहीं जनरेटर एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि भाई क्या क्वेश्चन है अरे अलग अलग हो सकता है ना जरूरी थोड़ी है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप हैव ओनली टू ग्रुप टू ऑर्डर जो है आपके क्या होगा जनरेटर नहीं टू नहीं हो सकते जनरेटर जो है अगर एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास में टू एंड ओनली टू जनरेटर होते हैं और अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर जो उसके जो जनरेटर होंगे वो उसके ऑर्डर के इक्वल होते हैं ये दो चीजें मैं आपको भी आगे लिखवाने वाला हूं ठीक है उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं साइकिल ग्रुप के आप लिख लीजिए और उनके जनरेटर भी मैं साथ में बता रहा हूं एक क्वेश्चन है जो आपके आरपीएससी के द्वारा एच HM यानी हेडमास्टर का जो पेपर लिया जाता है उसमें पूछा गया था तो क्या था एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट था कि जेड प्लस यानी कि इंटीजर नंबर्स है और प्लस बाइनरी ऑपरेशन है इज एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक अच्छा ये इनफाइनाइट हो गया है इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइक्लिक इनफाइनाइट साइक्लिक इन ग्रुप विथ वन एंड माइनस वन एज इट्स टू जनरेटर जनरेटर्स समझ में आ गई बात ये क्या कह रहा है कि जेड प्लस यानी जेड क्या है यहां पर

तब क्या हो जाएगा माइनस वन अगर हाँ ये कह देता कि इंटीजर प्लस वाले यानी अगर जो है ये जेड प्लस कर देता तो सिर्फ इसका जनरेटर होता प्लस वन समझ में आ गई बात ठीक है तो ये आर पी एस सी एच एम दो हजार दो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड प्लस हैव हाउ मैनी जनरेटर्स तो पहली बात तो ये कि एक इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था इसलिए इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के पास में ओनली एंड ओनली टू जनरेटर्स हो सकते हैं अगर फाइनाइट है तो फिर उसके ऑर्डर जो होगा उसी के इक्विवेलेंट जो है उसके क्या हो जाएंगे दोस्तों जनरेटर तो डायरेक्ट भी आंसर टू आ सकता था और वैसे भी पता है आपको कि इंटीजर्स नंबर है तो या तो पॉजिटिव नंबर में वन 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 बढ़ेगा या फिर नेगेटिव में वन वन वन, वन बढ़ेगा समझ में आ गई बात तो दो ही जनरेटर हो सकते थे चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं आगे हम तो एग्जाम्पल टू द मल्टी प्लीकेटिव द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इज अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज इट्स टू जनरेटर्स जनरेटर्स तो एक ग्रुप है आपका मल्टीप्लीकेटिव यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपको कौन सा लगाना है दोस्तों तो वो आपको लगाना है कौन सा वाला भाई साहब मल्टीप्लीकेशन वाला अब एलिमेंट्स कितने हैं वन है ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर है, है यानी कि तीन एलिमेंट्स है इज साइक्लिक ग्रुप विथ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इट्स टू जनरेटर्स ठीक है तो इसके दो जनरेटर्स है एक है ओमेगा एंड एक है ओमेगा स्क्वायर समझ में आ गई बात ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवा रहा हूं दोस्तों अब एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हम लेंगे और अच्छा सा क्वेश्चन यह है कि हम प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं क्यों क्योंकि प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज जो है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप तो साइक्लिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहली साइक्लिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप यानी कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप जो होगा चक्रीय समूह तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन क्या होगा एबिलियन होगा अब एबिलियन ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी अरे कौन कौन सी तो भाई साहब आपकी जीवन जी टू जी थ्री जी फोर चारों के चारों पोस्टुलेट्स जो थे या प्रॉपर्टीज जो थी उन्हें फॉलो करता है इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो इन सब को फॉलो करेगा लेकिन यहाँ पर नॉट पॉइंट करके आप लिख लीजिए और नॉट पॉइंट यह है दोस्तों कि एन एबिलियन ग्रुप एन एबिलियन ग्रुप ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक यानी कि आपका साइक्लिक ग्रुप जो है वो तो एबिलियन होगा लेकिन प्रत्येक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो ये कोई जरूरी नहीं है ये कोई आवश्यक नहीं है और इसका मैं आपको एक, एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ तो इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास में आर प्लस यानी रियल नंबर विथ पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन एबिलियन ये एक एविलियन ग्रुप तो है ये बात हम पेचे जो है जब पढ़ा स्टार्टिंग में तो प्रूव कर चुके हैं बट नॉट साइकिल बट नॉट साइकिल क्यों क्योंकि आप आर यानी कि सभी रियल नंबर जितने भी हैं उनकी बात करते हैं अब रियल नंबर के अंदर जो है आप कोई ऐसा फिक्स जनरेटर नहीं बता सकते हैं और अगर जनरेटर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये साइकिलिक है समझ में आ गई बात तो इस वजह से जो है आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि प्रत्येक एबिलियन ग्रुप जो है वो साइकिलिक हो ये जरूरी नहीं है लेकिन प्रत्येक साइकिलिक ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सेकंड प्रॉपर्टी है इफ

उस एलिमेंट का इन्वर्स यानी ए इन्वर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर मतलब ए और ए इन्वर्स दोनों के दोनों जो है एक ग्रुप के जनरेटर होते ही हैं समझ में आ गई बात तो इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इट्स मीन्स है इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स जो होगा वो भी उसका जनरेटर होगा ही होगा समझ में आ गई बात तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है जी बराबर अगर बिग ब्रैकेट ए लिखते हैं तो आप यहां पर ये भी लिखेंगे समझ में आ गई बात क्लियर है ठीक चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं थर्ड नंबर पर और थर्ड नंबर पर साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी आती है द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर जनरेटर ठीक है तो द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भाई साइक्लिक ग्रुप है जो वो एक फाइनाइट है पहले तो ये मानो तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए अब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा तो वो ऑर्डर उसी के इक्वल होगा जो उसका जनरेटर है उसका जो ऑर्डर है मतलब जनरेटर का ऑर्डर और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है समझ में आ गई बात इसके कहने का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा कि फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर एन है इज साइक्लिक इफ इट्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन कहने का मतलब है कि एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर है एन और अगर वो साइक्लिक है तो वो केवल तब हो सकता है जब उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी वापस से एन आ जाए समझ में आ गई बात ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होगा चलिए नेक्स्ट हम जो है फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि एवरी इनफाइनाइट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स यानी कि कोई भी इनफाइनाइट जो है साइक्लिक ग्रुप है अगर तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास में दो एंड ओनली दो मतलब कहने का क्या हुआ उसके पास में केवल और केवल दो जो है क्या होंगे दोस्तों जनरेटर्स होंगे और वो दो जनरेटर्स कौन से होंगे तो वो टू ओनली जो टू जनरेटर्स होंगे वो फिक्स है एक तो आपका उसका जो जनरेटर है वो और एक उस जनरेटर का इन्वर्स ये दो ही जनरेटर हो सकते हैं अगर आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो समझ में आ गई बात ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सब ग्रुप एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप यानी साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप जो होगा इज आल्सो साइक्लिक कहने का मतलब है अगर आपने साइक्लिक ग्रुप का क्या निकाला सब ग्रुप निकाला तो जो सब ग्रुप निकलेगा वो भी आपका परफेक्ट मतलब जो है आपका क्या होगा साइक्लिक ही होगा तो साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होगा ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ ठीक तो ये बात आपको याद रखनी है चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ जी इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट ए इसके कहने का मतलब क्या है कि जी का जनरेटर है एज अ साइक्लिक ग्रुप तो ये जो ग्रुप है ये एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर कितना है उसका एन एंड एच इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ए की पावर एस देन एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी इज ऑफ ऑर्डर एन बाय डी इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्या होता है अरे एस सी एफ उसका निकालना है एन और एस का तो ये क्या कहना चाहता है कि आपके पास में सपोज करिए एक साइकिल ग्रुप है कौन सा है साइकिल ग्रुप जी अब अगर जी जो है आपका साइकिल ग्रुप है और ऑर्डर है उसका एन और एक हमने लिखा एच इक्वल टू ए की पावर एस ये भी जो है आपका सब ग्रुप जो है एक मान लो एक कोई से मर्जी से ग्रुप बना दिया है अब ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा जी का केवल और केवल तब जब आपके एच का जो ऑर्डर है वो एन बाय डी हो ठीक है अगर या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एच जो है साइक्लिक सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर होगा एन अपॉन डी अब डी जो है वो एस है एन और एस का समझ में आ गई बात ठीक है ये बात मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं ऐसी ही चीजें और अब बात करते हैं हम आगे तो नेक्स्ट आ जाता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेज प्रॉपर सब ग्रुप ठीक है चलिए तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी फाइनाइट एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर कंपोजिट ऑर्डर वोजेस प्रॉपर सब ग्रुप ठीक है तो आपका जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो कंपोजिट ऑर्डर पोस्ट कर कंपोजिट ऑर्डर्स को रखेगा सब ग्रुप में समझ में आ गई बात ये कहने का मतलब क्या है ये कह रहा है कि अगर आपका जी एक सपोज करिए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और कैसा है कंपोजिट ऑर्डर का समझ में आ गई बात कंपोजिट ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है तो कंपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि आपका इसका जो ऑर्डर होगा वो कोई मतलब ऐसा नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा समझ में आ गई बात तो आपका जो एच है इसका जो एक सब ग्रुप होगा वो हमेशा कैसा होगा प्रॉपर सब ग्रुप होगा ये बात आपको याद रखनी है ठीक है तो आप लोग ये बात याद रख लेंगे चलिए नेक्स्ट आपको एक और प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं जो डायरेक्ट आपके जो है इससे पहले आर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछी गई है तो आप लिख लीजिए इफ ए इज अ जनरेटर ए जो है वो क्या है जनरेटर है इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन द, अदर, देन द अदर जनरेटर देन द अदर जनरेटर्स ऑफ जी आर of the form A to the power R where R where where is where R is relatively relatively prime रिलेटिवली प्राइम टू एन समझ में आ गई बात तो ये कहना चाह रहा है इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एन है और उसका जनरेटर है ए देन द अदर जनरेटर ऑफ जी इसी मतलब ग्रुप का जो दूसरा कोई जनरेटर होगा वो कैसा होगा तो वो होगा ए की पावर आर फॉर्म में ही होगा और ये जो आर है ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा किसके साथ में एन के साथ में तब ही जो है आप लोग इसका ये ऑर्डर कह सकते हो समझ में आ गई बात तो ये एक तरह से जो है आपको यहाँ क्वेश्चन ये दिया जाता है कि ये बताइए भाई कि कोई ग्रुप है जिसका आपको ग्रुप दे दिया जाएगा उसका जनरेटर आपसे पूछ लिया लेकिन वो पूछेंगे कि इसका अदर कोई जनरेटर निकालिए तो वो हमेशा ए की पावर आर फॉर्म में होगा और आर और एन जो होंगे वो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे तो आपको वैसे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है समझ में आ गई बात ठीक है इसमें कोई अलग और कुछ बताने की जरूरत है क्या आपको मेरे को तो नहीं लग रहा है कि इसमें और कुछ आपको बताने की जरूरत है ठीक है तो इसको आप जो है दोस्तों एकदम से अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिख लीजिएगा यहीं पर आपका जो है अब ये साइक्लिक जो एक तरह से ग्रुप है साइकिलिक ग्रुप और ये एक सब ग्रुप का सब टाइप है मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पेशल सब ग्रुप है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका ग्रुप जनरेट जो किया जाता है वो किससे जनरेट किया जाता है किसी एक एलिमेंट की इंट्रीगल पावर्स जो है अलग अलग लगा करके इसको जनरेट किया जाता है ठीक है ये चीज़ मैंने आप लोगों को आज समझा दी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में भी आ चुकी होगी अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों और लास्ट में हम खत्म करेंगे इस क्लास को एक मोटिवेशनल कोर्ट के साथ कि कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है जो चलता है इस कठिन रास्ते पर इस जो चलता है इस कठिन रास्ते पर उस संघर्ष के कदमों में जहान होता है उसके उस संघर्ष के कदमों में जहान होता है और आपको दोस्तों में एक बात बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि आपको एक गणित के अंदर पूरा एनालिसिस बताया जाए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ्स वगैरह कितनी रही है और मैथ्स के अंदर कितने नंबर तक जो है आप मतलब एक सिक्योर रह सकते हैं इस टाइप का एक मोटिवेशनल वीडियो कहें या एक स्ट्रेटजिक वीडियो कहें वो अगर लाना चाहते हैं आप लोग अगर कहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा इस वीडियो के एंड में तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं परमोटेशन ग्रुप वगैरह जो है इन सभी कॉन्सेप्ट को भी ठीक है दोस्तों तो अगले वीडियो में मिलेंगे जय हिंद जय भारत और अब जो भी वीडियोज लाऊंगा एक बात और बता देता हूँ अब जो भी वीडियोस लाऊंगा दोस्तों वो वन टॉ वन शॉर्ट वन वीडियो होगा मतलब जैसे अभी प्रमोटेशन ग्रुप है तो वो एक ही वीडियो में हम जो है कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको बार बार जो है अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़े और एक वीडियो देखने के बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाए ठीक चलिए दोस्तों धन्यवाद आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और आप जो है अपना प्यार बनाए रखेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे और आप लोगों के लिए हमेशा ही जो है हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे धन्यवाद